स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्राइवेट लेबल वर्सेस जेनरिक प्रोडक्ट्स। दोस्तों इसमें क्या फर्क है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब चीजें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। फ्लिपकार्ट की उम्मीद करता हूँ इस सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। फ्लिपकार्ट के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, बिकॉज हमारे चैनल पे 700 प्लस वीडियोस हैं लेटेस्ट कंटेंट के संग, और इस साल हम 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज आप लोगों को देने जा रहे हैं जिससे आप प्रैक्टिकल इन डेप्थ कंटेंट सीख पाओ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो कर लें ताकि आप कुछ मिस ना करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों जानते हैं प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट और जनरल प्रोडक्ट में क्या फर्क है। दोस्तों जनरली अगर आप कपड़ा या कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं जिसका पर्टिकुलर कोई ब्रांड या कोई कंपनी नहीं है, वो कपड़ों में भी हो सकता है, मान लीजिए ये जो माइक होते हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जिसके ऊपर कोई पर्टिकुलर लेबल नहीं होता है, ठीक है, और वो कोई रजिस्टर या ट्रेडमार्क या कोई बड़ा ब्रांड नहीं होता है, तो वो जेनरिक प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। उसको बहुत सारे सेलर्स बेच रहे होते हैं, अलग अलग कॉस्टिंग के ऊपर बेच रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा होता है, प्राइसिंग को लेके बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप कह सकते हो लड़ाई हो रही होती है, कि बहुत ज़्यादा अलग अलग ऑफर्स लोग दे रहे होते हैं, बिकॉज उसमें डिपेंड करता है किसने किस प्राइस पे खरीदा है, किसने कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, किसको क्या डील मिली हुई है, कोई लॉस में बेच रहा है, प्रॉफिट में बेच रहा है। तो जेनरिक प्रोडक्ट्स में ये सारे कॉम्पिटिशन आपको फेस करने पड़ सकते हैं ऑनलाइन सेलिंग के अंदर, और ये किसी भी कैटेगरी में आ सकता है। बट प्राइवेट लेबल ब्रांड क्या होता है दोस्तों, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है, या फिर किसी कंपनी का लैपटॉप है, या टी शर्ट या शर्ट है तो वो किसी ब्रांड की है लाइक रीबॉक की, एडिडास की, तो उसमें क्या है, या आपने ही कोई प्रोडक्ट बनाया और आपने उसके ऊपर अपना ही एबीसी कंपनी का एक लेबल दे दिया, प्राइवेट उसके अंदर लेबल दे दिया, तो इसमें क्या है, जो अथॉरिटी है उसको ऑनलाइन सेल करने की वो उस कंपनी के हाथ में होती है। अगर हम सैमसंग का बेच रहे हैं तो वो वही बेच सकते हैं जो सैमसंग से ऑथराइज्ड हैं उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है, या आपका खुद का प्रोडक्ट है उसका आपने रजिस्टर्ड करा रखा है तो आप ही बेच सकते हो, दूसरा कोई नहीं बेच सकता जब तक आप उसकी ऑथराइजेशन नहीं देते हो। तो उसमें कॉम्पिटिशन भी थोड़ा कम होता है, उसके अंदर प्राइजेस भी एक दायरे के अंदर होते हैं, क्यों, क्योंकि कंपनीज अपने प्राइजेस को या अपने ऑफर्स को खराब नहीं होने देती हैं, वो एक प्रोटोकॉल रखती हैं कि कौन कितनी कॉस्ट में लास्ट बेच सकता है। तो प्राइवेट लेवल में कंपटीशन एज कंपेयर टू प्राइजेस कम होता है, उसमें कोई भी इजीली सर्च कर सकता है, मतलब प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स में कंपनी का नाम डाला, ब्रांड का नाम डाला, मॉडल का नाम डाला, ठीक है, तो उसके हिसाब से इजीली सर्च में आ जाता है, किसी कस्टमर को दोबारा ढूंढना है, देखना है, खरीदना है। अब जेनरिक के अंदर उसको सर्च करना इजी नहीं होता, उस सेलर को स्पेशली ढूंढना आसान नहीं होता है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के अंदर ही होते हैं, जेनरिक में भी और प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के अंदर भी। तो ये आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है कि आपको प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के संग जाना है या आपको जेनरिक प्रोडक्ट के संग जाना है। तो ये आपकी बजटिंग, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी कॉस्टिंग, बहुत सारे फैक्टर्स पे, बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप इसके बेसिस पे अपना प्रोडक्ट का चुनाव करेंगे। तो इसी तरीके से आपको हम फ्लिपकार्ट में वीडियोस देते रहेंगे और फ्लिपकार्ट के साथ साथ बहुत सारी सीरीज हम लेकर आ रहे हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आप हमारी कंपनी से लेना चाहते हो दोस्तों तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।